हेलो दोस्तों, आई एम मोइन मोइन सिद्दीकी। दोस्तों, आज मैं आपको फायर पैनल के बारे में बताने वाला हूँ। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक फायर पैनल है। आप देख रहे हैं, ये जो फायर पैनल है इसमें से मोटर का इनपुट आता है और अलार्म का आउटपुट भी इसी में से जाता है। यहाँ से मोटर के लिए पावर जो दिया जाता है इसमें से ही दिया जाता है। आपको मैं मोटर की स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ। आप ये पैनल देख सकते हैं, ये जो है इस मोटर की स्पेसिफिकेशन है। 35 HP की मोटर है, 3 फेज 415 वोल्टेज पे चलती है और 52 एम्पियर लेती है। इसी तरह इसकी प्लेटिंग है, ये आप देख सकते हैं, और बाकी की डिटेल दी हुई है इसमें। और ये पैनल में एक एम्पियर मीटर लगा होता है और एक वोल्टेज मीटर। मैं आपको दिखा देता हूँ ये कितना मोटर एम्पियर ले रही है उसके लिए, और वोल्टेज मीटर मोटर कितना वोल्टेज ले रही है उसके लिए। और नीचे फेज इंडिकेटर दिए होते हैं, ये इंडिकेटर लाइट्स हैं जो RYB और स्टार्ट और रन के इंडिकेशन बताते हैं। और नीचे की तरफ पुश बटन दिए होते हैं दो, आप देख सकते हैं नीचे रेड और ग्रीन दो पुश बटन है, स्टॉप और स्टार्ट के, और ऑटो और मैनुअल की एक स्विच है, और R और Y का और Y और B फेज चेक करने के लिए स्विच दिए हुए। यह आउटलुक दिया हुआ है, अंदर की साइड का आउटलुक जो है। इसमें से सबसे पहले MCCB लगी हुई होती है, इसमें पावर दिया जाता है। सबसे पहले तो पावर दिया जाता है नीचे से 3 फेज, जो हम देते हैं नीचे से 3 फेज RYB MCCB में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पावर दिया हुआ है MCCB में। फिर ये पावर पैनल के हिसाब से कन्वर्ट किया जाता है हर स्विच में, जिसके थ्रू उसका अलार्म और मोटर का सेटिंग होता है, जिससे अलार्म पुश करते ही ऑटोमेटिकली मोटर स्टार्ट हो जाती है। ये आप जो नीचे की तरफ देख रहे हैं ये मोटर के आउटपुट है, यहाँ से मोटर स्टार्ट होती है, मोटर को यहीं से पावर दिया जाता है। और नीचे आप देख सकते हैं ड्राइंग दी हुई है, ये मोटर के सारे आउटलुक है। ये जो आप देख रहे हैं ये वोल्ट मीटर और इंडिकेटर स्विच और स्टार्ट और पुश स्विच सब इसी तरह दी हुई है। यहाँ से आउटलुक है, ये अंदर के साइड का है। फिर ये उसका ड्राइंग दिया हुआ है, पैनल का ड्राइंग है। इस तरह रेडी किया जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि पाइप इस तरह, ये कंस्ट्रक्शन लाइन में इस तरह पाइप रन की जाती है जो फायर की होती है। ये आप देख सकते हैं एक डग बना के उसके अंदर फायर का सारा इंस्ट्रूमेंट रखा जाता है ट्यूब के अंदर से। ये आप देख सकते हैं यहाँ से पुश बटन होते हैं, जिससे आप अलार्म ऑन और ऑफ कर सकते हैं, स्टार्ट और रन कर सकते हैं। यहाँ से अलार्म ऑन हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे के पानी और वाटर के लिए सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट यहीं पे रखे जाते हैं, हर फ्लोर पे एक होता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये अलार्म पैनल है, यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं तो अलार्म पैनल स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद में यहाँ से स्टार्ट स्टॉप सब कुछ यही कंट्रोल करता है, यहाँ से आपका इंडिकेटर होता है। आई होप आपको पता चल गया होगा किस तरह अलार्म वर्क करता है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। अगर आपका कोई भी सवाल है या कोई भी सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ। और इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए मेरा फेसबुक पेज लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।